एंड ग्रैंड पेरेंट्स, ये क्लास फर्स्ट के बच्चों का प्रोग्राम है। वी हैव 277 स्टूडेंट्स इन क्लास वन और इसमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप बच्चों का कॉन्फिडेंस देखिए, द वे दे आर प्रेजेंटिंग, आज लग रहा है कि शायद बच्चे हमको पढ़ा रहे हैं। डेली आप घर पे बच्चों को पढ़ाते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन जिस तरह की मैसेज बच्चे आज हमको दे रहे हैं, चाहे वो प्लास्टिक की हो, चाहे एनवायरनमेंट की हो, चाहे वो कुछ बनने की तमन्ना हो, तो ये सब बच्चे आज हमको मैसेज दे रहे हैं। और हम सबको मिलकर के ये ध्यान रखना है कि हम किसी भी तरीके से उनके मोटिवेशन को कम ना होने दें। अभी इनको इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए, मेडिकल के एडमिशन के लिए 11 साल बाकी हैं। जब 12th करेंगे उसके बाद ही इनका एडमिशन इंजीनियरिंग में होगा, मेडिकल में होगा। लेकिन ये जो 11 इयर्स की जर्नी है, दिस जर्नी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर दी ऑलराउंड ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड, फिजिकल ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड, मेंटल ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड, इमोशनल ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड। एंड एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, हम सबकी ड्यूटी है कि हम बच्चों का सर्वांगीण विकास करें। अभी हर साल हमारे यहाँ बच्चों के बहुत अच्छे एडमिशन्स होते हैं, जो 12th के बाद बच्चे पास आउट होते हैं, वो 12 ईयर्स, 13 ईयर्स, 14 ईयर्स वर्सेस में पढ़ते हैं। और इस साल तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट रहा है, क्योंकि करीब 5 बच्चों का IIT में एडमिशन हुआ है। एक रिकॉर्ड होगा किसी भी स्कूल का कि 5 बच्चों का IIT में एडमिशन हुआ है। और मेडिकल में काफ़ी बच्चों का होने वाला है, क्योंकि मेडिकल का नीट का रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन अभी एडमिशन्स शुरू नहीं हुए हैं, तो उसका रिजल्ट आना बाकी है। प्लेसमेंट्स का काफ़ी बच्चों का अच्छा प्लेसमेंट हुआ है। और इसी तरीके से ये जो 1st to 5 के स्टूडेंट्स हैं, ये भी किसी में कम नहीं है। अभी ये जो इको स्कूल प्रोजेक्ट है हमारी, उस इको स्कूल प्रोजेक्ट में अभी आपने देखा कि हमको ये ग्रीन फ्लैग अवार्ड मिला। ये जो अवार्ड है, ये लास्ट ईयर के एफर्ट्स का अवार्ड है, और अभी वो प्रोसेस कंटिन्यू है। अभी लास्ट वीक 12th अक्टूबर को हम सब इसी हॉल में थे, हमारे 3rd, 4th, 5th के स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, और मलेशिया के स्कूल के साथ में ऑनलाइन लाइव हमारा प्रोग्राम था। इंटरनेशनल डायमेंशन के लिए क्या मलेशियन के स्कूल्स कर रहे हैं, क्या हमारे स्कूल वशिष्ठ विद्यालय में कर रहे हैं, सबने अपना अपना प्रेजेंटेशन बच्चों ने दिया था। तो बच्चों के अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, जो उनके अंदर मोटिवेशन बिल्डअप होता है, कुछ करने की तमन्ना बिल्डअप होती है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड दैट वट वी आर डूइंग इन द प्राइमरी स्टेज ऑफ ए चाइल्ड। आई फील वेरी हैप्पी, ये जो प्रोग्राम चल रहा है बहुत अच्छा बच्चों ने ऑर्गेनाइज किया है। काफ़ी सारे कोरियोग्राफर, टीचर्स, देर इनोवेशन, देर क्रिएटिविटी, ऑल आर इन्वॉल्व। आई फील वेरी हैप्पी दैट वी ऑल आर सीइंग ए वेरी क्वालिटी प्रोग्राम। मे गॉड ब्लेस देम विद ऑल द सक्सेस एंड मे गॉड ब्लेस यू विद ऑल द हैप्पीनेस। लेट यू बी हैव हैप्पीनेस इन योर होम। एंड मैनेजमेंट की तरफ से, हमारी तरफ से आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं। 19th नवंबर को हमने PTM रखा है, उस दिन कुछ एग्जीबिशन भी है। 19th अक्टूबर को हमने PTM रखा, सॉरी 21 अक्टूबर को हमने PTM रखा है। 19 अक्टूबर की लास्ट वर्किंग डे, 21 अक्टूबर को आप आइए, सी दी अटेंडिंग PTM एंड सी डिस्प्ले ऑफ द चिल्ड्रन। वंस अगेन आई कन्वे माई बेस्ट विशेस टू यू, विश यू ऑल ए हैप्पी दिवाली। थैंक यू। Thank you so much, sir. Your words always motivate us to do better and better.